वक्फ संशोधन बिल पर आतंकी जाकिर नाइक ने भड़काऊ बयान वाला एक वीडियो जारी किया है। आतंकी जाकिर नाइक ने वीडियो जारी कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज करना चाहिए। नाइक ने कहा कि ये सरकार मुसलमानों को उनकी संपत्ति को हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, गैर मुस्लिमों को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। एंड लेट मी टेल माय नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया दैट दिस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, meaning an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, Waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. तो वक्फ संशोधन बिल पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ा विरोध जताया। ओवैसी ने कहा यह संविधान का उल्लंघन करता है और इसके तहत मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को मुस्लिमों से छीनने की साजिश रच रही है। कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा।